Dear students, welcome to Help TV. पिछले लेक्चर में हमने RL सर्किट को डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हम RL सर्किट की एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद बेहतर करते हैं, क्योंकि एग्जांपल के बगैर थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते. 70-80% क्लियर होते हैं, 20% आपको एग्जांपल सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है. जो आपने फार्मूलाज वगैरह जो थ्योरी में ड्राइव किए होते हैं उनको आपने प्रॉब्लम्स में यूज़ करके सॉल्व करना होता है. अब देखिए एग्जांपल, हमारे पास सबसे पहले गिवन डेटा है, हमारे पास आई गिवन है, उसके बाद हमारे एल गिवन है, आर गिवन. हमें वोल्टेज फाइंड करनी है अक्रॉस आर एल एंड आर एल सी दोनों के अक्रॉस. ठीक है, अब देखें सबसे पहले देखें आप नंबर वन पे आर के, आर पे हमारे पास क्या होगा, वी आर विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर. तो आई हमारे पास क्या है, 1.414 साइन 2 पाई 50 मल्टीप्लाई बाय टी और मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाता है आपके पास 100. ठीक है, ये क्या आ जाता है आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास 141.4 साइन 2 पाई 50 टी. ठीक है, हमने सबसे पहले वी आर फाइंड कर लिया, वी आर फाइंड हो गया, वी आर हमने फाइंड कर लिया ये वाला पार्ट. अब सेकंड पार्ट में हम वी एल फाइंड करेंगे. वी एल हमारे पास क्या होता है, आई मल्टीप्लाई बाय एक्सएल. ठीक है, आई मल्टीप्लाई बाय एक्सएल है तो आई हमें पता है क्या है, 1.414 साइन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एक्सएल है. तो एक्सएल हमारे पास क्या होती है, 2 पाई एफ एल 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय एल हमारे पास क्या है, 3.13. ये 100 ओम्स आ गया, 100 ओम्स आ जाता है. ठीक है, अब इस 100 को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वी एल. ठीक है, तो वी एल हमारे पास क्या आ गया, एक्सएल को यहाँ पुट करें आप, एक्सएल हमारे पास क्या आता है, 5 + 90 degrees, क्योंकि एक्सएल के केस में तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा प्लस. अब यहाँ पे क्या आता है, 141.14 साइन ऑफ 2 पाई एफ टी प्लस 90 डिग्री. ये किसके केस में आ गया, इंडक्टेंस के केस में, ये आ गया दूसरा केस. अब तीसरे केस में हमारे पास क्या होगा, तीसरे केस में हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है हमारे पास. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आई एम है हमारे पास. ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमने फाइंड करना है अब आर एम एस वैल्यू फाइंड करनी है वोल्टेज की. ठीक है, अब हमारे क्या कहते हैं, वी आर एम एस हमारे पास क्या होगी, वी एम ओवर अंडर रूट 2. अब वी एम हमारे पास ये चीज़ है, तो वी एम है 141.14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो यह आता है 100. ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, तो हमारे क्या आता है, वी आर हमारे पास क्या आती है, 100 × 0. ठीक है, ये आ गए एक. अब दूसरे केस में हमारे पास वी एल हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 × 90 degrees, क्योंकि उसमें लैग कर रहा होता है करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से. ठीक है, वी एम हमारे पास इसके केस में भी सेम होगा. ठीक है, वी एल भी आ गया, वी एल. अब हमें क्या करना है, अब हम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में 100 + j0, इसको हम लिख सकते हैं 0 + j100. टोटल हमारे पास क्या आता है, 100 + 0 + 0 + j100, यह आता है 100 + j100. ठीक है, 100 + j100 आ गया, वी आ गया हमारे पास. ठीक है, अब ये हमारे पास टोटल आ गया. अब हमारे पास अगर इसको आप जब चेक उस फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फेजर फॉर्म में, तो हमारे पास ये आ जाता है
41.42 × 45 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया वी, ये एवरेज है हमारे पास। ठीक है, अब हमें वी एम हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 141.42, ये क्या आता है 200 आ जाता है ये। ठीक है, ये बेसिक से एग्जांपल थी, क्योंकि हम आप उस फार्मूलाज को जो हमने ड्राइव किए हैं उनको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए मैंने ये एग्जांपल्स आपको समझाया कि आरएल सर्किट्स की अगर एग्जांपल्स हों तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको आरएल के एग्जांपल में ये भी आ सकता है कि फेजर डायग्राम ड्रा करें, उसके बाद आपको आ सकता है कि आप इसकी पावर ट्राइंगल क्या होती है और पावर की टाइप्स कौन सी हैं वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर तक इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आर सी सर्किट्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, उसको भी एग्जांपल्स के साथ इस तरह एक्सप्लेन करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।